नमस्कार, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई एक लघु कथा सौत। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद। जब रज़िया के दो तीन बच्चे होकर मर गए और उम्र ढलने लगी तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरे ब्याह की धुन सवार हुई। आए दिन रज़िया से बकझक होने लगी। रामू एक न एक बहाना खोज कर रज़िया पर बिगड़ता और उसे मार, और अंत में वो एक नई स्त्री ले ही आया। इसका नाम था दासी। चंपई रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र, पीली कुशांगी रज़िया भला इस नवयौवना के सामने क्या जचती। फिर भी वह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। तिगरते हुए छप्पर को थुनियों से संभालने की चेष्टा कर रही थी। इस घर को उसने मरमर के बनाया है, उसे सहज में यूं नहीं छोड़ सकती। वह इतनी बेसमझ नहीं है कि वह घर छोड़कर चली जाए और दासी राज करे। एक दिन रज़िया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उसके एक दिन पहले ही दासी के लिए अच्छी सी चुंदरी लाया था। रज़िया की मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी रुपए नहीं है। रज़िया को साड़ी की उतनी चाह न थी जितनी रामू और दासी के आनंद में विघ्न डालने की। बोली, रुपये नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुंदरी क्यों लाए? चुंदरी के बदले उसी दाम में दो साड़ियां लाते तो एक मेरे काम न आती। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा, जो चाहूंगा करूंगा, तू बोलने वाली कौन है? अभी उसके खाने खेलने के दिन है, तू चाहती है अभी से उसे नून तेल की चिंता में डाल दो? यह मुझसे न होगा। तुझे पहनने ओढ़ने की साध है तो काम कर, भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए हैं? पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे में लग जाती थी, अब उसके डाह में पहर दिन पड़ी रहती है, तो क्या रुपया आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़ी ही दूंगा। रज़िया ने कहा, तो क्या मैं उसकी लौंडी हूँ कि वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूँ? इतने दिनों छाती फाड़कर काम किया है, उसका यह फल मिला है, तो अब मेरी बला काम करने आ। मैं जैसे रखूँगा तुझे वैसे ही रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी रहूँगी, नहीं तो अलग हो जाऊँगी। जो तेरी इच्छा हो कर, मेरा गला छोड़। अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ, समझ लूँगी विधवा हो गई। रामू दिल में इतना तो समझता था कि यह गृहस्थी रज़िया के जोड़ी हुई है, चाहे उसके रूप में उसके लोचन विलास के लिए आकर्षण भले न हो। संभव था कि वह कुछ देर बाद जाकर रज़िया को मना लेता, पर दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गर्म लोहे पर चोटे जमाना शुरू की। बोली, आज देवी जी किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू ने उदास मन से कहा, तेरे चुंदरी के पीछे रज़िया महाभारत मचाई हुई है, अब कहती है अलग रहूंगी। मैंने कह दिया है, तेरी जो इच्छा हो कर। दासी ने आंखें मटका कर कहा, ये सब नखरे हैं कि आकर हाथ पांव जोड़े मनावन करे और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, दो चार दिन में आप ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ बोलना नहीं, नहीं तो उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाएगा, रामू ने गंभीर भाव से कहा। दासी, तुम जानती हो वह कितनी घमंडिन है, वह मुंह से जो बात कहती है उसे करके छोड़ती है। रज़िया को भी रामू से ऐसी कृतज्ञता की आशा न थी। वह अब पहले किसी सुंदर नहीं, इसीलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं। पुरुष चरित्र में यह कोई असाधारण बात न थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इसका उसे विश्वास न आता था। यह घर उसी ने पैसा पैसा जोड़कर बनवाया था, गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई है, अनाज का लेन देन भी उसी ने शुरू किया। इस घर में आकर उसने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले, इसीलिए न कि पौरुख थक जाने पर एक टुकड़ा चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी, और आज वह इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी गई। रामू ने इतना भी नहीं कहा कि तू अलग न रहने पाएगी, मैं या तो खुद मर जाऊंगा या तुझे मार दूंगा, पर तुझे अलग न होने दूंगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है हंसी ठट्ठा नहीं, तो जब रामू को उसकी परवाह नहीं तो वह क्यों रामू की परवाह करे? क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बैठे होते हैं? सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं। आज उसके लड़के जीते होते तो मजाल थी कि यह नई स्त्री लाते और मेरी यह दुर्गति करते। इस निदयी को मेरे ऊपर इतनी सी भी दया न आई। नारी हृदय की सारी परवशता इस अत्याचार से विद्रोह करने लगी। वही आग जो मोटी लकड़ी को स्पर्श भी नहीं कर सकती, फूस को जलाकर भस्म कर देती है। दूसरे दिन रज़िया एक दूसरे गांव चली गई। उसने अपने साथ कुछ न लिया, जो साड़ी उसकी देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ आमोद विनोद कर रहा था। रज़िया को जाते देख शायद वह समझ न सका कि वह चली जा रही है। रज़िया ने भी सोचा कि इस तरह वह चोरों की भांति न जाएगी। वह दासी को, उसके पति को और सारे गांव को दिखा देना चाहती थी कि वह इस घर से ढेले की चीज भी नहीं ले जा रही है। गांव वालों की दृष्टि में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था।
उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी ना होगा। रामू उल्टा सबसे कहेगा कि रजिया घर की सारी संपदा उठा ले गई। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। तुम्हारे घर से कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जाती। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे उसकी समझ में नहीं आया। उसे आशा न थी कि वह यूं जाएगी। उसने सोचा था जब वह घर ढोकर ले जाने लगेगी तब वह गांव वालों को दिखाकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करेगा। अब क्या करे। दासी बोली, जाकर गांव में ढिंडोरा पीटाओ, यहाँ किसी का डर नहीं। तू अपने घर से लेकर ही क्या आई थी जो कुछ लेकर जाएगी। रजिया ने उसके मुंह न लगकर रामू से ही कहा, सुनते हो अपने चहेते की बातें, फिर भी मुंह नहीं खुलता। मैं तो जाती हूँ लेकिन 100 रानी तुम भी बहुत दिन राज न करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता, वह बड़े बड़े घमंडियों का घमंड चूर कर देते हैं। दसिया ठहाका मारकर हंसी, पर रामू ने सिर झुका लिया। रजिया चली गई। रजिया जिस नए गांव में आई वह गांव रामू के गांव से मिला हुआ ही था, अतः वहां के लोग उससे अच्छी तरह परिचित थे। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती, कैसी बात की सच्ची, या किसी से छिपा न था। रजिया को मजूरी मिलने में कोई बाधा न हुई, और जो एक लेकर दो का काम करे उसे काम की क्या कमी। 3-1 साल रजिया ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बनाई, कैसे खेती शुरू की, इसका बयान करने बैठे तो पोथी हो जाए। संचय के जितने भी मंत्र हैं, जितने साधन हैं, वे रजिया को खूब मालूम थे। फिर अब उसे लाग हो गई थी, और लाग में आदमी की शक्ति का वारा पार नहीं रहता। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों तले अंगुलियां दबाते। वह रामू को दिखाना चाहती है कि मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। अब वह पराधीन नारी नहीं, अपनी कमाई खाती है। रजिया के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी है। रजिया उन्हें केवल खली भूसल देकर नहीं जाती, रोज 2-2 रोटियां भी खिलाती है, उन्हें घंटों सहलाती, कभी कभी उनके कंधों पर सर रखकर रोती है और कहती है, अब मेरा बेटा और पति जो हो तुम ही हो, मेरे जाल अब तुम्हारे साथ ही है। दोनों बैल शायद रजिया के भाषा और भाव समझते हैं, वे मनुष्य नहीं बैल हैं। दोनों सिर नीचा करके रजिया का हाथ चाटकर उसे आश्वासन देते हैं। वे उसे देखते ही कितने प्रेम से उसकी ओर ताकने लगते हैं, कितने हर्ष से कंधा झुकाकर जुआ रखवाते हैं, और कैसे जी तोड़ काम करते हैं। यह केवल वे ही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बैलों की सेवा की है और उनके हृदय को अपनाया है। रजिया इस गांव की चौधराइन है। उसकी बुद्धि जो पहले नित्य आधार खोजती रहती थी और स्वच्छंद रूप से अपना विकास न कर सकती थी, अब छाया से निकलकर प्रौढ़ और उन्नत हो गई है। एक दिन रजिया घर लौटी तो एक आदमी ने कहा, तुमने नहीं सुना चौधराइन, रामू तो बहुत बीमार है, सुना 10 लंगन हो गए। रजिया ने उदासीनता से कहा, जूड़ी है क्या। जूड़ी नहीं, कोई दूसरा रोग है, बाहर खाट पर पड़ा था, मैंने पूछा कैसे हो रामू तो रोने लगा, बुरा हाल है, घर में एक पैसा भी नहीं कि दवा दारू करे। दसिया को एक लड़का हुआ है, वह तो पहले भी काम धंधा ना करती थी, अब तो लड़कोरी है, कैसे काम करने आए। सारी मार रामू के सिर जाती है, फिर गहने चाहिए, नई दुल्हन यूं कैसे रहे। रजिया ने घर में जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा आप भोगेगा, लेकिन उसका अंदर जी न लगा। एक क्षण में वह फिर बाहर निकल आई, शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी, और इस अंदाज से पूछना चाहती थी मानो उसे कुछ परवाह नहीं। पर वह आदमी चला गया था। रजिया ने पूर्व पश्चिम जाजा कर देखा, वह कहीं न मिला। तब रजिया द्वार के चौखट पर बैठ गई। उसे वे शब्द याद आए जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे। उस वक्त जलन में उसने वह शाप दिया था, अब वह जलन न थी, समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासी की हीनावस्था अब ईर्ष्या के योग्य नहीं, दया के योग्य थी। उसने सोचा, रामू को 10 लंघन हो गए तो अवश्य ही उसकी दशा अच्छी न होगी, कुछ ऐसा मोटा ताजा तो पहले भी न था, 10 लंघन ने तो बिल्कुल ही घुला डाला होगा। फिर इधर खेतीबाड़ी में टोटा ही रहा, खाने पीने को भी ठीक ठाक न मिला होगा। पड़ोस के स्त्री ने आग लेने के बहाने से आकर पूछा, सुना रामू बहुत बीमार है, जो जैसी करेगा वैसा ही पाएगा, तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई अपने बैरी को भी नहीं निकालेगा। रजिया ने टोका, नहीं दीदी ऐसी बात न थी, वे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं, मैं चली तो सिर झुका लिया था, दसिया के कहने में आकर चाहे जो कुछ कर बैठे हूँ, यूं मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, किसी की बुराई क्यों करूं, फिर कौन ऐसा मर्द है जो औरतों के बस में नहीं हो जाता, दसिया के कारण ही उनकी यह दशा हुई है। पड़ोसिन ने आग न मांग मुंह फेर कर चली गई। रजिया ने कलसा और रस्सी उठाई और कुएं पर पानी खींचने गई। बैलों को सानी पानी देने की बेला आ गई थी, पर उसकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी हुई थी जो मलसी मतलब रामू के गांव की ओर जाता था।
कोई उसे बुलाने अवश्य आ रहा होगा, नहीं बिना बुलाए वह कैसे जा सकती है। लोग कहेंगे आखिर दौड़ी आई ना, मगर रामू तो अचेत पड़ा होगा, 10 लंघन थोड़े नहीं होते, उसकी देह में था ही क्या, फिर उसे कौन बुलाएगा। दसिया को क्या गरज पड़ी है, कोई दूसरा घर कर लेगी, जवान है, 100 ग्राहक निकल आवेंगे। अच्छा कोई आ रहा है, हाँ कोई आ तो जरूर रहा है, कुछ घबराया सा जान पड़ता है। कौन आदमी है, इसे तो कभी पहले मलसी में नहीं देखा, मगर उस वक्त से मलसी गई भी तो नहीं, 2-4 नए आदमी आकर बस ही गए होंगे। बटोही चुपचाप कुएं के पास से निकला। रजिया ने कलसा जगत पर रख दिया और उसके पास जाकर बोली, रामू मैं तो ने भेजा है ना तुम्हें, अच्छा तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं अभी, लेकिन मुझे कुछ काम है, बैलों को सानी पानी देना है, दिया बत्ती करनी है। तुम्हें रुपये दे दूँ, जाकर दसिया को दे देना, कह देना कोई काम हो तो बुला भेजे। बटोही रामू को क्या जाने, किसी दूसरे गांव का रहने वाला था, पहले तो चकराया फिर समझ गया, चुपके से रजिया के साथ चला गया और रुपये लेकर लंबा हुआ। चलते चलते रजिया ने पूछा, अब क्या हाल है उनका। बटोही ने अटकल से कहा, अब तो कुछ संभल रहे हैं। दसिया बहुत रोधो तो नहीं कर रही है। नहीं रोती तो नहीं थी, वह क्यों रोएगी, पीछे मालूम होगा। बटोही चला गया तो रजिया ने बैलों को सानी पानी किया, पर मन रामू की ओर ही लगा हुआ था। स्नेह स्मृतियां छोटी छोटी तारिकाओं की भांति मन में उदित होती जा रही थी। एक बार जब वह बीमार पड़ी थी वह बात याद आ गई। 10 साल हो गए, वह कैसे रात दिन उसके सिरहाने बैठा रहता था, खाना पीना तक भूल गया था। उसके मन में आया क्यों न चलकर देख ही आवे, कोई क्या कहेगा, किसका मुंह है जो कुछ कहे, चोरी करने तो नहीं जा रही हूँ, उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके साथ 15-20 साल रही हूँ, दसिया नाक सिकोड़ेगी, मुझे उससे क्या मतलब। रजिया ने किवाड़ बंद किए, घर मजूर सहेजा और रामू को देखने चली, कांपती झिझकती क्षमा का दान लिए हुए। रामू को थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया कि उसके घर की आत्मा निकल गई है, और वह चाहे कितना भी जोर लगाए, कितना भी सर खपाए, उसमें स्फूर्ति नहीं आ सकती। दासी सुंदर थी, शौकीन थी और फूहर थी। जब पहला नशा उतरा तो ठाए ठाए शुरू हुई, खेती की उपज कम होने लगी और जो होती भी थी वह उठपटांग चीज़ों में खर्च हो जाती थी, ऋण लेना पड़ता था। इसी चिंता और शोक में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शुरू में कुछ परवाह न की, परवाह करके करता ही क्या, घर में पैसे न थे, अताइयों की चिकित्सा ने बीमारी की जड़ को और मजबूत कर दिया था, और आज 10-12 दिनों से उसका खाना पानी सब छूट गया था। मौत के इंतजार में खाट पर पड़ा कराह रहा था, और अब वह दशा हो गई जब भविष्य से निश्चिंत होकर अतीत में विश्राम करते हैं, जैसे कोई गाड़ी आगे का रास्ता बंद पाकर पीछे लौट जाए। रजिया को याद करके बार बार रोता और दासी को कोसता, तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला, वह क्या गई, लक्ष्मी चली गई, मैं जानता हूँ, अब भी बुलाऊं तो दौड़ी आएगी, लेकिन बुलाऊं किस मुँह से, एक बार वह आ जाती तो उससे अपना अपराध क्षमा करवा लेता, फिर मैं खुशी से मरता, और जीने की लालसा नहीं है। सहसा रजिया ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा जी है तुम्हारा, मुझे तो आज ही हाल मिला। रामू ने सजल नेत्रों से उसे देखा पर कुछ कह न सका, दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, पर हाथ जुड़े ही रह गए और आंखें उलट गईं। लाश घर में पड़ी थी, रजिया रोती थी, दासी चिंतित थी, घर में रुपये का नाम नहीं, लकड़ी तो चाहिए ही, उठाने वाले भी जलपान करेंगे ही, कफन के बगैर लाश उठेगी कैसे। 10 से कम का खर्च न था, यहाँ घर में 10 पैसे भी नहीं। डर रही थी कि आज गहन आफत आई, ऐसी कीमती भारी गहने ही कौन थे, किसान की बिसात थी क्या, 2-3 नग बेच देने से 10 मिल जाएंगे, मगर और हो ही क्या सकता है। उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी यह बेड़ा पार कैसे लगे, गांव में कोई ढेले का भी विश्वास करने वाला नहीं, मेरे गहने हैं, चौधरी से कहो इन्हें गिरो रख कर आज काम चलाए, फिर भगवान मालिक है। रजिया से क्यों नहीं मांग लेती, सहसा रजिया आंखें पोंछती हुई आ निकली, कान में भनक पड़ी, पूछा, क्या है जोखू, क्या सलाह कर रहे हो, अब मिट्टी उठाओगे कि सलाह की बेला है। हाँ उसी का इंतजाम कर रहा हूँ, रुपये पैसे तो यहाँ होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे, इस बेचारी को तो बीच मझधार में लाकर छोड़ दिया, तुम लपक कर उस घर चले जाओ भैया, कौन दूर है, या कुंजी लेते जाओ, मंजूर से कहना भंडार से 50 रुपये निकाल दे, कहना ऊपर की पटरी पर रखे हैं। वह तो कुंजी लेकर उधर गया। इधर दसिया रजिया के पैर पकड़कर रोने लगी, बहनापे के ये शब्द उसके हृदय में बैठ गए। उसने देखा रजिया में कितनी दया कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे छाती से लगाकर कहा,
क्यों रोती है बहन? वह चला गया तो मैं तो हूँ, किसी बात की चिंता न करना। इसी घर में हम और तुम दोनों उसके नाम पर बैठेंगी। मैं वहाँ भी देखूँगी, यहाँ भी देखूँगी। घाप भर की बात ही क्या है, कोई तुमसे गहने वहने मांगे तो देना मत। दसिया का जी होता था कि सिर पटक कर मर जाए। इसे उसने कितना जलाया, कितना रुलाया और घर से निकाल छोड़ा। रजिया ने पूछा, जिस जिसके पास रुपये हों सूरत करके मुझे बता देना, मैं झगड़ा नहीं रखना चाहती। बच्चा क्यों दुबला हो रहा है? दसिया बोली, मेरे दूध ही नहीं होता। गाय जो तुम छोड़कर गई थी वह मर गई, दूध ही नहीं पीता। राम राम, बेचारा मुरझा गया है। मैं कल ही गाय लाऊंगी, सभी गृहस्थी उठा लाऊंगी। वहां क्या रखा है? लाश उठी। रजिया उसके साथ गई, दाह कर्म किया, भोज हुआ, कोई 200 रुपये खर्च हो गए होंगे, किसी से मांगने न पड़े। दसिया के जौहर भी इसी त्याग की आँच में निकल आए, विलासिनी सेवा की मूर्ति बन गई। आज रामू को मरे 7 साल हो गए हैं, रजिया घर संभाले हुई है। दसिया को वह सौत नहीं, बेटी समझती है। पहले उसे पहनाकर तब आप पहनती है, उसे खिलाकर आप खाती है। जोखू पढ़ने जाता है, उसकी सगाई की बातचीत पक्की हो गई है। इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता है। दसिया ने कहा, बहन गहने बनवा कर क्या करोगी? मेरे गहने तो धरे ही हैं। रजिया ने कहा, नहीं री, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी। अभी तो मेरा हाथ चलता है, जब थक जाऊंगी तब जो मन चाहे करना। तेरे अभी पहनने ओढ़ने के दिन हैं, तू अपने गहने रहने दे। नाइन ठाकुर सुहाती करके बोली, आज जोखू के बाप होते तो बात ही कुछ और होती। रजिया ने कहा, वे नहीं है तो मैं तो हूँ। वे जितना करते मैं उसका दुगुना करूंगी। जब मैं मर जाऊं तब कहना कि जोखू का बाप नहीं है। ब्याह के दिन दसिया को रोते देख रजिया ने कहा, बहू तुम क्यों रोती हो? मैं तो अभी जीती हूँ, घर तुम्हारा है, चाहे जैसे रहो। मुझे एक रोटी दे देना बस, मुझे और क्या करना है? मेरा आदमी मर गया, तुम्हारा तो अभी जीता है। दसिया ने उसकी गोद में सिर रख दिया और खूब रोई। जीजी तुम मेरी माता हो, तुम न होती तो किसके द्वार पर खड़ी होती? घर में तो चूहे लौटते थे, उनके राज में मुझे दुखी दुख उठाने पड़े। सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज में मिला। मैं दुख से नहीं रोती हूँ, रोती हूँ भगवान की दया पर कि कहाँ मैं और कहाँ यह खुशहाली। रजिया मुस्कुराकर रो दी। कहानी सुनने के लिए बहुत